वन टू थ्री फोर। गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दिस इज हेलराइजर एम। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है फुल डिटेल में, फुल इसके कैसे ऑपरेट होती है एंड एवरीथिंग। तो आज मैं आपको इसका फायरिंग टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, वी गोना शूट सम राउंड्स। तो ये है हेलराइजर एम, काफ़ी अच्छी गन है, काफ़ी यू नो कूल गन है ये, वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा फील होता है। You can see the blowback. I am so much excited. तो उससे पहले Airsoft Gun India से हम मंगाएंगे CO2. Yes, CO2. Okay. मैं पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा hyper excited हूँ इस गन के लिए। अब ये देखते हैं आप बैक का पार्ट, इसको पुश करते हैं जस्ट लाइक दिस। इसका जो है ये बाहर निकल आता है। दिस इज़ दी मैगजीन। मैगजीन का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने, क्योंकि अगर आपकी मैगजीन ख़राब हो गया, इसमें लीकेज आ गया, देन यू विल हैव टू हैव यू नो वेट करना पड़ेगा। वेट करने से भी कई बार क्या होता है कि हमारे पास मैगजीन मिलता नहीं है कुछ गन्स की, आपको मैगजीन के लिए 6-6 महीने तक वेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों में ना पड़े, जस्ट मेक श्योर कि ये मैगजीन आपकी ख़राब ही ना हो। नाउ हाउ टू यूज़ CO2। इसको बैक किया, थोड़ा ढीला किया, ये हमारे पास CO2 है। CO2 को हमने अपने जगह पर ड्रॉप कर दिया। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं, कई लोग ऐसे रखते हैं, ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। जस्ट पुट इट लाइक दिस, लेट डाउन। अब इसके अंदर इसको यूँ लगाना है। नाउ वॉच वेरी क्लोजली, धीरे धीरे, जस्ट कीप ऑन टाइटनिंग। अब यहाँ टाइट हो गया, अब यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जस्ट गो लाइक दिस, दैट्स इट, इतना ही करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि गन में लीकेज आ जाए। जस्ट ट्राई टू बी जेंटल, दिस इज योर लव ऑफ योर लाइफ, सो ट्राई टू बी जेंटल विद दिस गन। ओके, अब इसको पीछे करिए लाइक दिस, और यहाँ से हम इसके अंदर बीबीज को फिल करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऊपर से फिल करते हैं, जहाँ भी आपको यहाँ पे गैप दिखे, इससे समझ जाइए कि आपको यहाँ से बीबीज भरने हैं। इफ़ यू आर नॉट श्योर, जस्ट रीचेक इट ऑन यू नो मैनुअल, सो दैट आपको भी लगे कि मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ। ये फीड लिप है, यहाँ से भी जो है आप देख सकते हो बीबीज कैसे भर रहे हैं। CO2 भरा, इसको बैक किया, देखो इन्होंने पॉइंट किया ना, यहाँ से लोड करते हैं बीबी नंबर 3 से, टॉप से नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऊपर से ही लोड करना स्टार्ट कर देते हैं बीबी। सो डोंट डू इट गाइस, इससे करेंगे तो इसका जो फीडिंग लीप है वो ख़राब हो जाएगा। ये प्लास्टिक का है, ये ख़राब हो जाएगा, तो उधर से नहीं करना है। इसको बैक करिए, नाउ वॉच, यहाँ से बीबी भरना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से गन का इस्तेमाल करते हैं, उससे गन में जो है खराबियाँ आ जाती हैं। सो डोंट बी द गाय जो गन को ख़राब कर देता है। जस्ट यूज़ इट इन अ करेक्ट मैनर सो दैट योर गन लास्ट लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। और हाँ, जितने भी गन हम भेजते हैं हम उसको टेस्ट करके भेजते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी टेंशन फ्री कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो यू हैव, व्हेन यू गेट इट जस्ट यूज़ इट केयरफुली। अब ये लोडेड है, इसको मैं सेफ पे लेके जाऊँगा, आई एम गोना जस्ट लोड इट, दिस गन इज़ लोडेड। अब ये लॉक है, इसको हम लोग सेफ्टी खोलेंगे एंड लेट्स फायर इट, आई एम एक्साइटेड। 18 राउंड है इसके अंदर रफली। हेलराइजर एम इज अ ब्लो बैक गन, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है एक्यूरेसी की, पूरे टारगेट पे ये फैल जाएगा, बट स्टिल लेट्स सी, आई विल बी ट्राई टू बी जेंटल। इसके लॉक को खोल देते हैं लाइक दिस, खुला ही था। ओके, मैंने इसे पुल करना मैं भूल गया था, आई जस्ट लोडेड इट, नाउ वॉच, वाओ दैट वॉज सम किक, क्या किक थी, माय गॉड, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ वॉच, द ट्रिगर इज सो स्मूथ, दबाने से ही चल जाता है। सो अगर आपके पास है जस्ट ट्राई टू बी केयरफुल, इसको लॉक करके रखिए, क्योंकि ये ट्रिगर इसका बहुत सॉफ्ट है, जस्ट प्रेस करता हूँ फायरिंग करता है। ये कॉम्पिटिशन टाइप की जो है ट्रिगर है उसकी जैसा है, वेरी सॉफ्ट, वाओ। ट्रिगर पे बिल्कुल भी जोर नहीं लग रहा, बट देन देर इज अ किक बैक एंड द ब्लो बैक, आ
देखिए गाइस, हमने पहली बार जो फायर किया यहाँ पे काफ़ी राउंड्स हैं। पहले के राउंड जो नीचे गए, फिर मैंने ऊपर फायर करना स्टार्ट किया एंड देन यू कैन सी इट इज़ क्वाइट स्कैटर्ड। नीचे के साइड काफ़ी मैंने फायर किया है, तो अभी मैं इसको राउंड कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस एंड देन विल फायर इट अगेन एंड विल ट्राई टू बी वेरी एक्यूरेट। बट देन ब्लो बैक गन में इतना तो होता ही है एंड यू हैव टू बी वेरी नो बहुत ध्यान से आपको फायरिंग करना पड़ता है टू गेट सम एक्यूरेट शॉट्स। तो चलिए दोबारा से इसके अंदर बीबी लोड करते हैं और इसको फायर करते हैं। सो एक मैगजीन हमने फायर कर लिया है, दूसरा हम लोग इसके अंदर लोड करते हैं एंड नाउ जस्ट आई विल जस्ट कीप लोडिंग इट एंड इट इज़ लोडेड। गाइस हमने दूसरी बार मैगजीन को फिल कर लिया है और इसको हम लोग लोड करेंगे जस्ट लाइक दिस, जस्ट पुल इट। और चलिए एक और बात जो मैं वीडियो में मेंशन कर देता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, कुछ गन्स में बड़ा ही ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि जब उसको पुल करोगे तो बीबी सामने से बाहर निकल जाएंगे। आप देखो अगर मैं इसको पुल करता हूँ लाइक दिस, सामने से बीबी बाहर निकल आएगा। तो ऐसे गन्स को कभी भी ऐसे मत रखिए, उसको हमेशा ऊपर के साइड रखना पड़ेगा जब भी आप इसे पुल करेंगे। नहीं, अगर आप नीचे के साइड पॉइंट करके इसको ऐसे करेंगे ऑटोमेटिक बीबी जो है बाहर निकल जाता है। सेम ये है एसटीआई ड्यूटी में, बहुत सारी गन्स में ये मैकेनिज्म होता है। तो इसको आपने देखा मैंने तीन बीबीज बाहर निकाल लिया। नाउ वॉच, एक बार जब हम फायर करेंगे तो घर ही जाएगा देन ऑटो फीड स्टार्ट हो जाएगा। और हमेशा कभी भी ऐसे मत रखिएगा इस इन गन्स को। वॉच, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन, ये ऊपर की साइड आप देख रहे हो जा रहा है। विल ट्राई टू शूट इट डाउन। ओके, द बीबीस इज ओवर, मैगजीन खाली हो गया। तो चलिए इसके मैगजीन को बाहर निकाल लेते हैं, जस्ट पुल इट लाइक दिस। ये वाला पार्ट जो है इसको पुश करना है जस्ट लाइक दिस और ये बाहर आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि ठंडा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा रैपिडली भी फायर मत करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रैपिडली फायर करेंगे तो ये सब कुछ अंदर का जम जाएगा एंड देन यू कैन हैव सम लीकेज एज वेल। तो इसका भी ध्यान रखना है, बहुत रैपिडली फायर मत करिए बिकॉज दिस इज नॉट अ फुल ऑटो गन, सेमी ऑटो है। पर चलिए देखते हैं हमने क्या फायर किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ हमने फायर किया, यहाँ फायर किया, इधर फायर किया है, यहाँ फायर काफ़ी शॉट्स गए हैं, बाकी नीचे गए हैं और ऊपर गए हैं। इस गन की एक जो है अच्छी बात कह लो वो ये है कि इसका ट्रिगर बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने की वजह से इसके ऊपर जरा भी प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड इट फायर्स वेरी स्मूथ। तो कई बार मैं ना चाहते हुए भी जो है ट्रिगर को पुल कर देता हूँ, विच इज़ I don't know, ये अच्छी बात है या बुरी बात है। अच्छी बात है क्योंकि कई लोग जो है ट्रिगर पुल करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, दे फाइंड इट वेरी हार्ड। चलिए एक काम करते हैं, एक नया टारगेट डालते हैं इसके अंदर, लेट्स पुट अ न्यू टारगेट समथिंग और इसके बाद एक और बार ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी कैसे परफॉर्म करती है। तो हमेशा जब आपकी गन की कैपेसिटी 18 राउंड है, ट्राई टू यूज़ ओनली 16, 16 राउंड ही भरिए या कम भरिए। आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने रफली 16 राउंड भरा है, अब ये काफ़ी इजी है। चलिए इसको लोड करते हैं, यूँ डाला जस्ट लाइक दिस, इसको रिलीज़ किया, अब मुझे लोड करने की ज़रूरत नहीं है। विल जस्ट फायर, वॉच, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके, द राउंड इज ओवर। चलिए देखते हैं क्या हमने फायर किया और मुझे लगता है इस बार मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ओह माय गॉड, लुक एट द शॉट्स गाइस, ऑलमोस्ट सारे के सारे मैंने ब्लैक पोर्शन में फायर किए हैं, एक्सेप्ट फॉर लाइक यू नो थोड़े राउंड्स, दो तीन राउंड्स, ये वाले राउंड जो हैं एक दो तीन ये बाहर है, बाकी सारे राउंड जो हैं आप देखोगे ब्लैक के अंदर मारे हैं, आठ नौ
2007 में मारे, बट दिस इज अमेजिंग। इससे एक बात प्रूव हो गया, इट इज नॉट अपॉन द गन, गन के ऊपर कुछ नहीं है, इट इज अपॉन द शूटर जो चलाता है। अभी मैंने पहली भी दो बार चलाया तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, इस बार मैंने थोड़ा आराम से चलाया, मैंने थोड़ा ध्यान से चलाया, तो लुक एट द रिजल्ट। अगर मैं और इस पे साथ यू नो 2-4 घंटे लगा रहूं तो आई एम श्योर आई कैन मेक सम वेरी वेरी एक्यूरेट शॉट्स। सो यस, दिस इज अमेजिंग। हेलराइजर काफी अच्छी गन है, काफी कॉम्पैक्ट, इसका ब्लोबैक काफी सॉलिड लगता है मुझे। अब इसका मैगजीन जो है मैं रिलीज कर देता हूँ, इसको यू पुल करना है, ये खुल जाएगा। अभी भी इसके अंदर काफी CO2 पड़ा हुआ है, जबकि हमने 3-4 राउंड इसके मैगजीन के पार कर दिया। आप देख सकते हो ये जम गए हैं। जब भी आप CO2 चलाओ, CO2 गन चलाओ और उसके अंदर स्टिल थोड़े CO2 बचे हों, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये का जो है मोह मत करिए। अगर उसका आप 50-60 रुपये का मोह करेंगे और इसके अंदर से उस CO2 को छोड़ देंगे, आपकी गन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसी समय ट्राई करिए बाहर निकाल देने के लिए एंड गन को चेक कर लीजिए, गन में शॉट्स तो पड़े तो नहीं है, खाली कर दीजिए, देन इसे लॉक करके बॉक्स में रख दीजिए। अब आपको ये बॉक्स मिलेगा। आई विल रिकमेंड यू बाइंग अ गन बॉक्स। हमारे वेबसाइट पे जाइए, एयरसॉफ्ट गन इंडिया पे, हमारे पास सस्ते, ऐसा नहीं है कि महंगे वाले बॉक्स खरीदिए, सस्ते वाले गन बॉक्स भी हैं वो खरीद लीजिए। आपके पास अगर मल्टीपल गन्स हैं तो हमारे पास मल्टीपल गन के भी गन बॉक्सेस हैं, खरीद लीजिए, गन की आपकी लाइफ बन जाएगी। CO2 जो है आई विल रिकमेंड कि बल्क में खरीदिए। क्यों? एक तो आपको सस्ता पड़ेगा, काफ़ी सस्ता पड़ता है, रफली 60% का डिस्काउंट तो होता ही है अगर आप बल्क में खरीदेंगे। दूसरा कि आप जब चलाना स्टार्ट करेंगे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना, 10 दिन 15 दिन दोबारा आने के लिए। सो गो एंड ऑर्डर इट राइट नाउ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे नंबर्स दिए हुए हैं, ईमेल आईडी दिए हुए हैं, कॉल बैक रिक्वेस्ट आपको पता है कैसे करना है। जस्ट गो एंड ऑर्डर हेल रेजर एम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।